सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। आप जलती हुई मोमबत्ती को उल्टा करते हो तब भी उसकी लौ हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। जीवन में भी इतनी सारी घटनाएं घटेगी जहां आपका उत्साह जोश नीचे दब जाएगा। उस वक्त ये याद रखना कि मोमबत्ती की तरह हर परिस्थितियों का सामना कर सकती है, बशर्ते अपने उत्साह और जोश की लौ को बुझने नहीं देना। आज का पंचांग 19 अक्टूबर 2020, दिन सोमवार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, दोपहर 2:08 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अनुराधा नामक नक्षत्र सुबह 3:52 तक रहेगी। इसके उपरांत ज्येष्ठा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:54 से 9:20 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:48 से 12:34 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगी। आप सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। कुंभ राशि 19 अक्टूबर 2020, दिन सोमवार, अभी आप लोगों से मिलने जुलने के मूड में हैं और नए कनेक्शन भी बनाने के लिए तैयार हैं। ग्रुप या क्लब का हिस्सा बनने का मजा लें। आपका आकर्षण इस समय चरम सीमा पर है। आपके माता पिता या भाई बहन को अपनी आपके ध्यान या कंफर्ट की आवश्यकता हो सकती है। सफलता पाने के लिए आपने कड़ी मेहनत की है और अब किस्मत आपकी ओर है। आप भावनात्मक स्तर पर निराश नहीं होंगी और वैवाहिक जीवन का भी आनंद लेंगी। सफलता को एक उपहार की तरह लें और अपने जीवन पर किसी को शासन ना करने दें। अपनी उपलब्धियों को लेकर विनम्र रहें क्योंकि विनम्रता लोगों के दिल को जीतती है। अधिकतर समय आध्यात्मिक धार्मिक गतिविधियों में व्यतीत होगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद व स्नेह पाकर आप प्रगति पथ पर आगे बढ़ेंगी। आप हर निर्णय को बहुत ही सोच समझ लेंगी। आप अपने कार्यों में सफल रहेंगी। काम के प्रति आपकी रुचि अधिक होगी। भविष्य से जुड़ी योजना पर अमल करने की पूरी कोशिश आज आपकी रहेगी। आपकी इच्छा शक्ति और डेडिकेशन की वजह से मिली हुई संधि का आप सोना बना सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में बन रही व्यवस्था मित्र से दूरी बना सकती है। सावधानियां, फालतू के कार्यों में आपका धन व्यय हो सकता है, इसलिए अपने बजट का ध्यान अवश्य रखें। पैतृक संपत्ति व बंटवारे को लेकर स्थितियां इस समय आपके विपरीत जा सकती है। बातचीत करते समय अपने शब्दों का चयन उचित प्रकार से करें। लव लाइफ की बात करते हैं, इस समय भाग्य आपके साथ है, इसलिए आपको सफलता के साथ साथ नई पहचान भी मिलेगी। आपका साथी आपके आकर्षण और करिश्मे का दीवाना है। किसी क्लब या समूह का हिस्सा बनकर नए दोस्त बनाएं। चोरी से बचने के लिए सफर के दौरान सामान का ध्यान रखें। आज भाग्य आपके साथ है और आपको धन प्रसिद्धि व पहचान प्राप्त होगी। आप वैवाहिक जीवन का आनंद ले रहे हैं। रोमांस की दृष्टि से भी आप भाग्यशाली हैं। आने वाले समय में आप कुछ गुलाबी छड़ों को एंजॉय कर सकते हैं। बात करते हैं करियर की। आज समय है अपने लक को आजमाने और परिणामों का मजा लेने का। किसी क्लब में शामिल होना आपको लोगों के करीब लाएगा। समूह के प्रति वफादार रहने से न केवल समूह के अंदर सदस्य प्रेरित होते हैं बल्कि लक्ष्य प्राप्ति में भी
सहयोग मिलता है। घरेलू मुसीबतों के लिए सचेत रहें। आपकी कड़ी मेहनत सफलता को ऐसे आकर्षित कर रही है जैसे जन्मदिन का केक अजनबियों को आकर्षित करता है। बात करते हैं सेहत की। आपकी बढ़ती हुई उम्मीदें आपको परेशानी के मोड़ पर ला सकती हैं। आप सावधान रहें, आपको किसी भी व्यक्ति की कभी भी आवश्यकता पड़ सकती है। आप दूसरे के लिए अच्छे बनने की कोशिश करें, उन्हें भी अच्छा लगेगा। और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आज का उपाय, आज आप माता रानी को सिंगार चढ़ाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।